Hi students, welcome to Kiran Goswami classes. Today's topic is position rapid revision. Okay. So first is position while giving enema. So the answer is left lateral position, or we can give Sims position also to the patient. Okay. The next one is position for laminectomy. That is what Muslim prayer position. Or if the option is not given, other Muslim prayer position option is not then we can choose knee chest position also. Okay. Then अनदर नेम फॉर नीचे पोजिशन दैट इज वॉट जेनुपेक्टोरियल पोजिशन ओके देन नेक्स्ट वन इज पोजिशन फॉर सर्जरी ऑफ पेल्विक ऑर्गन्स देन द एंसर इज द ट्रेंडल एंड बर्ग पोजिशन वी कैन गिव टू देशेंट दे नेक्स्ट वन इज द पोजिशन फॉर डिस्पनिया और वी कैन से दैट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग वी कैन गिव ऑर्थोपनिक पोजिशन टू द पेशेंट और अगर ऑर्थोपनिक पोजिशन ऑप्शन में नहीं है देन वी विल चूज फॉलर्स पोजिशन ओके द नेक्स्ट वन इज दी पोजिशन आफ्टर हिप सर्जरी हिप सर्जरी के बाद हम लोग पेशेंट को कौन सा पोजिशन देते हैं एबडक्शन पोजिशन मीन्स जो लेग्स रहते हैं पेशेंट के वो स्लाइटली क्या रहेंगे अबडक्टेड रहेंगे और एबडक्शन के लिए हम लोग कंफर्ट डिवाइस यूज कर सकते हैं दैट इज वॉट हिप एबडक्शन पिलो ओके सो नेक्स्ट वन इज द पोजिशन फॉर प्रिवेंट वैग वैप सॉरी सो वैप वैप दैट मीन्स वेंटिलेटेड वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया इसको हम लोग प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को कौन सा पोजिशन प्रोवाइड कर सकते हैं दैट इज़ वॉट सेमी फाउलर्स पोजिशन वी कैन गिव टू पेशेंट सो दिज ऑल आर अबाउट पोजिशनिंग थैंक यू वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास ओके थैंक यू